हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लेटर राइटिंग का बिजनेस लेटर आपकी एग्जामिनेशन में मात्र बिजनेस लेटर में दो ही तरह के लेटर आ सकते हैं, मात्र दो ही। यानी बिजनेस लेटर दो, एक तो वो लेटर जो आपने ऑर्डर को प्लेस किया है और दूसरा लेटर जिस नॉन कॉम्प्लायंस, सॉरी तीन आ सकते हैं। बिजनेस लेटर में देखिए, उसमें एक तो आपको ऑर्डर प्लेस करना है। ऑर्डर प्लेस का लेटर मैं आपको बता चुका हूं उसका फॉर्मेट। दूसरा है नॉन कॉम्प्लायंस, और तीसरा है डिफेक्टिव मटेरियल जो आपको मिला है, जो भी सामान। ऑर्डर प्लेस में आपको एक लिस्ट बनानी है, बहुत सरल सा है, आसान सा, आपको चैनल पे मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में जाके लेटर राइटिंग में देख लेना, ऑर्डर प्लेस का मिल गया। दूसरा ये दोनों, हालांकि डिफेक्टिव का मैंने एक डिफेक्टिव एयर कंडीशनर का करवाया हुआ है, फिर भी ये दोनों डिफेक्टिव का आ जाए या नॉन कॉम्प्लायंस का आ जाए, इसी फॉर्मेट को फॉलो करते हुए आपको लिखना होगा। अगर नॉन कॉम्प्लायंस का आता है तो भी आपको ये फॉर्मेट लेके जाना है एग्जामिनेशन में और आगे लिख के आ जाना है। अगर डिफेक्टिव का आता है तो भी आपको ये करना है, थोड़ा सा परिवर्तन क्या होगा मैं आपको बताऊंगा। अब हम आपको ये जो ऊपर वाला जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसके आधार पर बता रहा हूं। You have placed an order for some sports items with Elite होता है इसको, Elite Sports Jaipur, कोई भी नाम आ जाएगा ऐसे में। You have placed an order for some a few books with किसी बुक स्टोर का नाम आ जाएगा। And you have placed an order for some other material, whatever you want to purchase, उसका नाम आएगा, उसका किस कौन सी फर्म है उसका नाम ही आ जाएगा। You have not received the same for सेम सोफा, आपको अभी तक वो नहीं मिला है, या यहां पर अगर डिफेक्टिव होगा तो यू हैव रिसीव्ड इट डिफेक्टिव। देखिए प्रश्न यहां बदलेगा, यू हैव नॉट रिसीव्ड द सेम सोफा, आपको अभी तक नहीं मिला है, या तब तो आपको नॉन कॉम्प्लायंस करना है। अगर डिफेक्टिव की बात आ गई तो यू हैव रिसीव्ड इट डिफेक्टिव, और उसमें क्या क्या प्रॉब्लम है। राइट ए लेटर टू द मैनेजर एनी स्पॉट्स जयपुर कंप्लेनिंग अबाउट द नॉन कॉम्प्लायंस ऑफ द ऑर्डर। अगर डिफेक्टिव है तो राइट द लेटर टू द मैनेजर एंड स्पॉट्स कंप्लेनिंग एंड आस्किंग टू चेंज रिप्लेस, आस्किंग टू रिप्लेस द मटेरियल, जो भी आप उसको बदलवाना चाहते हो, बिकॉज इट इज इन वारंटी पीरियड। ठीक है, अब आप इसका लेटर दोनों तरह से साथ करके जाएंगे, किस तरह से लिखेंगे। सबसे पहले आपको यहां पर एड्रेस लिखना है एग्जामिनेशन में, आप अपना एड्रेस यहां पे लिखोगे, आप कहां हो इसके अंदर लिखा हुआ नहीं है, तो आप अपना एड्रेस, कोई भी एड्रेस आप लिख सकते हो। जैसे आपने लिख दिया ग्रेटर कैलाश दिल्ली, हो गया, ऊपर कॉलोनी का नाम, नीचे स्थान का नाम आ गया द। अब इस पे आपको यहां पर डेट भी लिखनी होती है, ठीक है, तो डेट जैसे आएगी नहीं, अगर ऐसे लिखेंगे तो सीधे ही मैं इसको एड्रेस को थोड़ा छोटा कर देता हूं और मैं सीधा यहां लिख देता हूं दिल्ली, और यहां पर आप लिखो नवंबर 16, 2020, क्योंकि डेट लिखना तो जरूरी हो गया ना। अब आप यहां पर एक लाइन छोड़ के लिखोगे द, और दे में क्या लिखना होता है, राइट ए लेटर टू द, इसके आगे पोस्ट मिलेगी आपको, तो आप लिखोगे यहां मैनेजर, यहां पर सेल्स मैनेजर भी हो सकता है, मैसर्स भी हो सकता है, कुछ भी हो जाए वो आप जाली में नीचे एलिट स्पोर्ट्स जयपुर कर दोगे। ये हो गया एड्रेस, तो अपना पहला स्टेप और दूसरा स्टेप, दोनों स्टेप पूरे हो गए। तीसरा है सब्जेक्ट लेटर अबाउट नॉन कॉम्प्लायंस ऑफ लेटर, ठीक है। अगर यही लेटर आता है तो, अगर आपको डिफेक्टिव आइटम मिला है तो लेटर अबाउट द डिफेक्टिव एयर कंडीशनर, डिफेक्टिव वॉशिंग मशीन, डिफेक्टिव या रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव वॉशिंग मशीन, डिफेक्टिव कंप्यूटर, डिफेक्टिव LCD, जो भी, ठीक है, उसका आ जाएगा नाम। यहां हम इसके आधार पर चल रहे हैं,
लेटर अबाउट द नॉन कॉम्प्लायंस ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर की आपको नॉन कॉम्प्लायंस हुई है, यानी आपने जो सामान के लिए ऑर्डर दिया था अभी तक आपको मिला नहीं है, ठीक है। अब यहां सर, यहां पहले ब्लैंक में क्या आएगा, यहां क्या आएगा और यहां क्या आएगा, काम तो तीन ही करने हैं आपको, और तो कुछ करना ही नहीं है। अब अगर आप कोई फर्म है तो आप लिखो यहां, जैसे मान लिया आपका स्कूल है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल झोटवाड़ा जयपुर, प्लेस इन ऑर्डर, ठीक है, या आपने खुद ने प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल प्लेस इन ऑर्डर, या पीटी है तो पीटी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल किसी स्थान का एक्स वाई जेड प्लेस इन ऑर्डर, या कोई फर्म है आप तो आपकी फर्म प्लेस इन ऑर्डर फॉर, तो यहां पर आप ये लिखोगे, बिकॉज मैंने यहां क्लियर नहीं किया है कि आप कौन है, यू हैव प्लेस, सिर्फ यू से ही काम चल गया। अब आप अपनी मर्जी से, मान लीजिए कोई स्कूल है तो आप लिख दो कि प्रिंसिपल एक्स वाई जेड प्लेस एन ऑर्डर फॉर, किसके लिए ऑर्डर, किसके लिए था, स्पोर्ट्स आइटम था ना, स्पोर्ट्स आइटम, स्पोर्ट्स आइटम तो लिखा ही पड़ा है, ठीक है, इसको तो मैं मिटा देता हूं, ये स्पोर्ट्स आइटम हो गया ना। अब यहां और कोई मटेरियल होता तो बुक्स हो जाता या कुछ और चीजें होती तो उसका नाम आ जाता, विद किसके साथ, जो फर्म लिखी हुई है, किससे मंगवाया था, उस फर्म का नाम लिखना पड़ेगा आपको यहां पे। तो आप यहां पर ये करोगे विद एक्सपोर्ट्स जयपुर, ये हो गया ना। अब यहां तक तो आपको क्या करना है, चाहे डिफेक्टिव हो चाहे नॉन कॉम्प्लायंस हो, दोनों में एक ही बात है, ये लाइन तो आएगी। अब रही बात, क्योंकि आई रिग्रेट टू से दैट वी हैव नॉट रिसीव्ड द ऑर्डर येट, यहां पर आप कहोगे क्योंकि यहां आपको मिला नहीं, तो आई रिग्रेट टू से, मुझे पीड़ा ये कहते हैं कि वी हैव नॉट रिसीव्ड द ऑर्डर येट, अभी कंसाइनमेंट अभी मिली नहीं है। अगर डिफेक्टिव मिला है तो क्या करोगे, आई रिग्रेट टू से दैट वी हैव रिसीव्ड इट डिफेक्टिव, आई रिग्रेट टू से दैट वी हैव रिसीव्ड द वॉशिंग मशीन डिफेक्टिव, अब क्या डिफेक्ट है उसमें, वो दो तीन बात और बताओ, जो रेटलिंग साउंड है, डज नॉट वर्क प्रॉपरली, ये ना, तो इस तरह की जो बातें जो भी होती है उसमें वो बातें आगे लिखो, इसमें क्या है, नॉन कॉम्प्लायंस है, आपको नहीं मिला है, एंड दिस नॉन कॉम्प्लायंस ऑफ ऑर्डर हैज क्रिएटेड ए ग्रेट एंग्जाइटी इन मी, ये दोनों में लिख सकते हो आप, उसमें क्या करोगे, दिस नॉन कॉम्प्लायंस की जगह छोड़ दो, दिस इनएडिक्वेट कंसाइनमेंट हैज क्रिएटेड ए ग्रेट एंग्जाइटी इन मी, यहां हो गया ना। अब नीचे आपको थ्रेट देनी है, धमकी दोनों में आएगी, कि यदि ये सामान मेरे को इतने समय में नहीं मिला तो ऑर्डर को कैंसिल समझो, जो सामान डिफेक्टिव आया उसमें क्या थ्रेट दोगे, यदि मेरे को ये सामान बदल के नहीं दिया तो आई विल नॉक द कंज्यूमर कोर्ट, उसमें क्या करोगे, वो इस कंडीशनल सेंटेंस बनेगा, इफ आई विल नॉट गेट इट रिप्लेस्ड, इफ आई विल नॉट गेट इट रिप्लेस्ड आई विल नॉक द कंज्यूमर कोर्ट बिकॉज इट इज इन वारंटी पीरियड, ठीक है ना, ये हो गया। इसमें क्या लिखोगे, इसमें ये लिखोगे, इफ आई डो नॉट रिसीव द कंसाइनमेंट विद इन दिस वीक, यदि इस महीने सॉरी वीक तक मुझे ही कंसाइनमेंट नहीं मिलती है तो द ऑर्डर स्टैंड कैंसल्ड, तो इस ऑर्डर को आप कैंसल समझे, देन आई होप यू विल यहां पे जगह नहीं है, होप कर देता हूं, आई होप यू विल नॉट डिसअपॉइंट अ रेगुलर कस्टमर ऑफ योर्स लाइक मी, योर्स फैक्टफुली। अब यहां पर आप कौन है, यहां पर आप जो भी हैं, जैसे आपने नाम लिख दिया प्रिंसिपल ये कर दिया। अब देखिए दोनों तरह का बिजनेस लेटर का लफड़ा खत्म करो आप इस चीज में, क्या हुआ,
अगर मान लीजिए यही लेटर आ जाता है आपको, एक वॉशिंग मशीन है वो डिफेक्टिव मिलती है, तो क्या करोगे, यहाँ एड्रेस लिखो, ये लिखो रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव वॉशिंग मशीन, फिर करोगे प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल और कुछ है तो प्लेस एन ऑर्डर फॉर वॉशिंग मशीन विद, किसके साथ, आपके कंपनी के साथ, एंड आई रेग्रेट टू से दैट आई गॉट इट डिफेक्टिव, इट डज नॉट वर्क प्रॉपरली, देर इज ए रेटलिंग साउंड ऑल्सो, और दो तीन दिक्कत हो रहा है वो बता दो, बताने के बाद में दिस इनएडेक्वेट डिलीवरी ऑफ आइटम हैज क्रिएटेड ए ग्रेट एंजाइटी इन मी, सेम वही लाइन आएगी, और उसके बाद में आप थ्रेट करो और ये लिखो दिस इज इन वारंटी पीरियड, ठीक है, आई वॉन्ट टू गेट इट रिप्लेस्ड, मैं इसको बदलवाना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू गेट इट रिप्लेस्ड बिकॉज इट इज इन वारंटी पीरियड, अब उसके बाद में इफ वाली लाइन यहां से आएगी, चाहे आपके लाइन, इफ आई डू नॉट गेट इट रिप्लेस आई विल नॉक द कंज्यूमर कॉर्ड अटेस्ट डॉक्यूमेंट, एक तो जेरोक्स ऑफ द बिल या बाउचर की, और क्या बोलते हैं उसको, वारंटी पीरियड की, और इस तरह से लिखते हैं, यानी दोनों तरह के ऑर्डर, ये बिजनेस लेटर का काम है, ये इस लेटर के लिए आप चैनल पे जाइए, प्ले लिस्ट में देखिए, और इन दोनों के लिए आप इस पे थोड़ी एक्सरसाइज कीजिए, आपको कोई भी लेटर आप कर पाओगे, एक दूसरा लेटर आप लिखिए, तो उम्मीद करते हैं कि आपको नॉन कंप्लायंस का लेटर समझ में आया होगा, धन्यवाद।